Hello students, good morning. In previous video we did book work lesson number 3 Hindi reader class 3rd, but today we will answer the question of that lesson. So take out your book and notebook. Lesson number 3 question answer Swachhta. Okay, open your book. So page number 23, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आप क्वेश्चन बुक में से करेंगे, मैं आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर आंसर राइट करके दूंगी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुण को रास्ते में बदबू क्यों आई. मींस अरुण जब उसके बर्थडे पर, उसके जन्मदिन पर कहाँ गया था, उसके घर गया था सोनू के, तो तब पूछ रहे हैं कि उसको क्या है, रास्ते में बदबू क्यों आई. उत्तर नंबर 1. ओके, आप क्वेश्चन अपनी बुक में से राइट करेंगे और आंसर मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूं. सड़क के किनारे सड़क के दोनों ओर बहने वाली नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था. और वहीं पानी बदबू फैला रहा था. ओके, सो सड़क के दोनों ओर बहने वाली जो नालियां थी उसमें क्या था, वो कूड़ा रुक गया था, और उस कूड़े के रुकने की वजह से वहां क्या था, पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से वहां पर उस पानी और उस कूड़े के मिक्स हो जाने की वजह से वहाँ बदबू आने लगी थी. ठीक है, जो वो बदबू फैला रहा था. अब क्वेश्चन नंबर 2, सोनू के मोहल्ले में अधिक गंदगी क्यों थी. ओके, वहाँ के लोग क्या नहीं करते थे, सफाई नहीं रखते थे. वहाँ के लोग, कहाँ के लोग, सोनू के मोहल्ले के साफ सफाई नहीं रखते थे. और कूड़ा भी कूड़ेदान में नहीं डालते थे.
इसीलिए सोनू के मोहल्ले में अधिक गंदगी थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, हम नगर पालिका की सहायता कैसे कर सकते हैं? हम नगर पालिका की सहायता कैसे कर सकते हैं? अपने घर और मोहल्ले की सफाई रखकर, नंबर 3। ओके, अपने घर और मोहल्ले की साफ सफाई रखकर हम नगर पालिका की सहायता कर सकते हैं। अपने घर और आसपास की सफाई अपने घर और आसपास आसपास कर लो चाहे मोहल्ले कर लो। ओके, मोहल्ले की सफाई रखकर हम नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ने सोनू के मोहल्ले में जाकर क्या किया? जो उसकी कक्षा के, जो उसके क्लास के बच्चे थे, उन्होंने सोनू के मोहल्ले में इतनी गंदगी को देखकर उन्होंने क्या किया? बच्चों ने क्या किया था? वहाँ की सफाई की थी ना मोहल्ले की। बच्चों ने सोनू के मोहल्ले में जाकर वहां साफ सफाई कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
बच्चों के एक व्यक्ति सॉरी मोहल्ले के एक व्यक्ति ने अध्यापक को क्या आश्वासन दिया? जो मोहल्ले का एक व्यक्ति था उसने अध्यापक को क्या आश्वासन दिया? क्या कहा था उसने? कि हम स्वयं ही अपने मोहल्ले के को स्वच्छ रखेंगे और अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे और आप हमेशा इसे और अब आप हमेशा इसे साफ सुथरा पाएंगे। ओके सो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। लेसन बुक कंप्लीट हो चुका है आपका। बुक वर्क मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। सो आपका होमवर्क है जो मैंने ये क्वेश्चन आंसर करवाए हैं 1 to 5 इसको आप कंप्लीट डू इन फेयर नोटबुक। ओके और इसको पढ़ना और अच्छे से लर्न भी करना है। सो लेसन नंबर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लेसन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके सो आज के लिए आपका यही होमवर्क है। आपको इस क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के मुझे सेंड करना है। ओके राइटिंग समझ में आनी चाहिए। ओके थैंक यू। हैव ए नाइस डे।